हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं विजया और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज दीपावली के पहले जो घर में नॉन बंगाली के घर में जो घरौंदे बनते हैं तो आज हमारे छत पे बन रहा है, आप देख सकते हैं। क्योंकि तो पूर्णिमा जी भी शामिल है बनाने में और मैं बस वीडियो कर रही हूँ। तो इधर पे पहले मिट्टी को हम लोग ऐसे तोड़कर इसको अच्छी तरह से गूंद रहे हैं, जैसे कि आटे को गूंदते हैं वैसे इसको गूंदना है और रौंदना है और एक काढ़ा सा बनाना है और फिर इसे स्ट्रक्चर जो हम तैयार करेंगे उस पर लगाएंगे। और इस तरह से मिट्टी को हम लोग तैयार कर रहे हैं। डर नहीं रहता तो ये उस टाइप का कुछ रहता है जिससे कि आपको समझ आए कि इसके आगे नहीं जाना है। एक बाउंड्री, एक डिजाइन हो गया और एक बाउंड्री टाइप की आपकी हो गई, तो उसके बाद आपको ये खुद समझ लेना है कि एक बॉर्डर है और इसको अभी फिनिशिंग दी जाएगी। जस्ट इसको स्ट्रक्चर अभी सेट किया जा रहा है, अभी इसको फिर अच्छे से मुलायम करके घसा जाएगा और सबको एक डिजाइन दिया जाएगा। तो चलिए, आधी स्ट्रक्चर पूरी हो चुकी है और आधी पूरी होने के बाद आपको इस जगह का जो डिपार्टमेंट है वो मम्मी का है और यहाँ पे सफाई कर रही है, यहाँ पे वो बना रही है। जिस तरह देखकर आप देख रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे भी बॉर्डर दिया जा रहा है। क्या कर रही है मम्मी? घरकुंडा बना रहे लड़की लोग का, घरौना, उसका नाम है घरौना। तो अभी क्या कर रही है? मैं इसको तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि देखा जा रहा है दोस्तों कि दीपावली आते ही हम ये सोचने लग जाते हैं कि घर को कैसे डेकोरेट करें, कैसे घर को सजाएं, कितनी लाइटिंग से सजाएं। तो हमारे अपार्टमेंट के लिए भी पूरे अपार्टमेंट को कवर करने के लिए लाइटिंग आया है, तो ये लाइट बिल्कुल लग जाएगा और लगते ही हम आपको वीडियो करके जरूर दिखाएंगे कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इतने सारे लाइट्स अभी आए हुए हैं और लगने बाकी हैं। अभी घर हमारे घरौंदे का शेप कुछ ऐसा है और अभी इसको कल फिर सूखेगा तो इस पर एक बार हम लोग गोबर का लेप लगाएंगे और फिर इसको हम लोग कलर करेंगे। वो टूट के इधर पे गिरा मामा, तो अभी क्योंकि मिट्टी में गोबर नहीं है तो थोड़ा फटके गिर रहा है, फिर कल से शेप देंगे तो ये और खूबसूरत दिखेगा। और ये है खूबसूरत सा और ये है
चबूतरा टाइप का, और इस पे और ये है सीढ़ी, तो इसी सीढ़ी के जरिए जाएंगे छत पे। और ये आंगन पे एक चूल्हा भी है, तो जिनको कुकिंग करनी हो, और ये है घर, काफ़ी खूबसूरत सा।